हाय, कैसे हो? आज इस वाली वीडियो में चैप्टर नंबर जो 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कहानी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए 6.1, बी 8.2 एंड सी 9.4 आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी चार साइडें होती हैं, अपोजिट साइड, पैरेलल, इक्वल, वो अलग कहानी है। हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक डायग्राम बना रहे हैं जिसकी चार साइडें हो। सिंपल सा एक डायग्राम बना रहा हूं, कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दे रहा हूं। अब आप इसको रेक्टेंगल समझे, स्क्वायर समझे, वो कुछ भी है, लेकिन ये पैरेललोग्राम तो है क्योंकि उसकी चार साइडें हैं, अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है, ऐसी कहानी है, सिंपल। तो मैंने यहां पर एक बहुत ही सिंपल वे में एक पैरेललोग्राम बना दिया ताकि क्वेश्चन को एक बहुत इजी मेथड से समझाया जा सके। अब इस पैरेललोग्राम को आप देख सकते हैं, यहां पर इसके चार कॉर्नर हैं, चार वर्टिसेस हैं। नाम दे रहा हूं, इसका नाम ए दिया, इसका बी दिया, इसका सी दिया और इसका डी दिया। अच्छा, नाम देने में कभी गलती से भी कभी ऐसा मत कर देना कि यहां पर ए और बी नाम देकर सी यहां पर दे दो, नहीं, ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग ही चलता है, ए बी सी डी। अगर आप ऐसे दे रहे हो ए बी, तो यहां सी लिखोगे, वहां डी लिखोगे। अगर आप ऐसे दे रहे हो ए बी, तो यहां सी लिखोगे, वहां लाइन से ही चलना है, ऐसे कूदना नहीं है, यहां से वहां नहीं जाना। अगर ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही चलना है, ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही चलना है। तो मैंने नाम दिया ए बी, तो सी के लिए यहां मत आ जाना, वहीं बी के बाद यहां सी देना है और यहां डी देना है। इतना समझ आया? अब क्वेश्चन वाले ने इसके तीन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। जैसे ए का पॉइंट आपको दिया हुआ है 6.1, ए का पॉइंट दिया हुआ है 6.1, बी का पॉइंट दिया हुआ है 8.2, बी का पॉइंट है 8.2, सी का पॉइंट है 9.4, सी का पॉइंट दिया हुआ है 9.4। इतनी कहानी है। अब उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा इफ ई, जो ई पॉइंट है, अब अचानक से कहीं पर ई आ गया, मतलब ए बी सी डी के अलावा ई फॉर एलिफेंट की एंट्री हो रही है, कि इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। जरा डीसी वाली लाइन को पकड़ो, आपके पास जो ये वाली लाइन है वो यहां पर डीसी का काम कर रही है। भाई जो ये वाली लाइन है वो डीसी का काम कर रही है, तो इसी डीसी का यहां पर कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। भाई डीसी के बिल्कुल बीचों बीच में कहीं ना कहीं उसका मिड पॉइंट होगा, तो मैंने उस मिड पॉइंट का नाम दिया ई, ई फॉर एलिफेंट मैंने उसका नाम दिया। अब क्वेश्चन वाले ने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो आप उसको यहां पर ट्रायंगल एडीई का एरिया बता दो क्या होगा। अब क्वेश्चन की कहानी में गड़बड़ सुनो क्या लग रहा है। उसने तो ये कह दिया कि भाई यहां पर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तीन साइडें बता दी, ए बी सी बता दिया, डी नहीं बताया, तो पहले तो हम किसी तरीके से डी के पीछे पड़ेंगे, फिर जब डी पॉइंट आ जाएगा तो हम लोग यहां पर डी और सी पे मिड पॉइंट लगाएंगे तो हमें ई पता चल जाएगा। फिर यहां पर मैं इस ए डी ई, क्योंकि मेरे को एरिया निकालना है ए डी ई का, तो मैं ए डी ई को ट्रायंगल बनाने के लिए ए और ई को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो यहां पर ये ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है यहां पर। लेकिन कहानी में सबसे पहले मेन पॉइंट आता है कि आप इस डी पॉइंट को कैसे निकालोगे। भाई डी वाला पॉइंट कैसे निकालोगे उसको ये तो बताओ। तो सबसे मेन एक रीजन है यहां पर, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा उस डी के पॉइंट को निकालने के लिए। और वो प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो जितना पार्ट इधर उतना इधर, उतना इधर उतना इधर, ऐसा करके। इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूं कहीं अलग बना के। मान लीजिए ये मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाया कुछ ऐसा, तो एक तो इसका डायगोनल ये होगा और एक इसका डायगोनल ये होगा। भाई एक इसका डायगोनल ये होगा और एक इसका डायगोनल ये होगा, तो जो ये वाला डायगोनल है वो डायगोनल और जो ये वाला डायगोनल है वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं।
एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, और डायगोनल ना हमेशा जिस पॉइंट पर टच करते हैं वो बाइसेक्ट भी होता है। बाइसेक्ट होने का मतलब जैसे इस वाले डायगोनल ने इस पुराने वाले डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट उधर, मतलब जो ये बीच वाला पॉइंट है ना ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल मिडल पॉइंट, बीचो बीच वाला पॉइंट होगा। ये इस वाले का भी बिल्कुल बीचो बीच में पॉइंट आएगा और ये इस वाले का भी बिल्कुल बीचो बीच में पॉइंट आएगा, क्योंकि इस वाले डायगोनल की वजह से, इस वाले डायगोनल की वजह से ये नया वाला डायगोनल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, कुछ ऐसी कहानी हो गई होगी। तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, दोनों के दोनों डायगोनल बिल्कुल बीचो बीच में पॉइंट, बिल्कुल बीचो बीच में मिलेंगे आपस में आकर। इसका ये मतलब है कि अगर आप एसी का मिड पॉइंट निकालोगे, आप एसी का मिड पॉइंट निकालोगे यहां कहीं मिलेगा, और अगर आप इस बीडी का मिड पॉइंट निकालोगे तो भी वो आपको यहीं कहीं मिलेगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि जो मिड पॉइंट ऑफ एसी है, जो मिड पॉइंट ऑफ एसी है वो इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, जब आप बीडी का मिड पॉइंट निकालोगे, जब आप बीडी का मिड पॉइंट निकालोगे मतलब मिड पॉइंट ऑफ बीडी। भाई दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास ये एसी है और एक हमारे पास ये बीडी है। आप एसी का मिड पॉइंट निकालो, आप बीडी का मिड पॉइंट निकालो, दोनों आपस में एक ही पोजीशन पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पोजीशन पर कट करेंगे। ये पैरेललोग्राम की खास बात है और इसी से हम लोग यहां पर अपने डी वाले कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। इतना आपको समझ है, मैं इसको रफ करता हूं ये रफली वाली डायग्राम को। ओके, अब बात आती है कि हमें डी का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो एक काम करो ना, जैसे ए वाला कोऑर्डिनेट था 6,1, तो इसका नाम दे दो x1 y1, बी वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x2 y2, सी वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x3 y3, और डी वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x4 y4। इतना आपको समझ आया। अब आप जब मिड पॉइंट निकालोगे एसी का, क्योंकि ये डायगोनल है, एसी का मिड पॉइंट निकालोगे तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एक्स में प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, और y वाले कोऑर्डिनेट को y में प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर 6 है और यहां पर 9 है, तो आप जरा 6 और 9 को प्लस करो, 6 और 9 को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। ऐसा ही काम y वाले के साथ करो, यहां y वाला रिजल्ट 1 है और यहां y वाला 4 है, तो 1 और 4 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, वो इक्वल आएगा। वो किसके इक्वल आएगा, जब आप BD का मिड पॉइंट निकालोगे, क्योंकि AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट सेम पोजीशन पर है तो दोनों आपस में इक्वल आएगा। तो AC का मिड पॉइंट ये रहा, इस तरीके से निकाला, तो जरा BD का मिड पॉइंट भी निकालो। BD का मिड पॉइंट निकालने के लिए भी X वाले को X वाले में प्लस करके 2 से डिवाइड करो, और Y वाले को Y वाले में प्लस करके 2 से डिवाइड करो। तो यहां X वाला 8 है और यहां नहीं पता, तो x4 ही रहने देना, तो 8 में x4 को प्लस करो, 8 में x4 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, यहां y वाला 2 है और यहां y4 है, तो 2 में y4 को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, ऐसी कुछ कहानी करो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपस में दो कोऑर्डिनेट कभी भी इक्वल तब होते हैं जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले के इक्वल होता है और सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होता है। तो यहां फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, 6 प्लस 9, तो 6 और 9 कितना हो गया, 15, तो 15 by 2 किसके इक्वल आएगा, 8 प्लस x4 by 2, 8 प्लस x4 by 2 इसके इक्वल आएगा। अच्छा, 2 से 2 गया, x4 निकालने के लिए 8 को उधर भेज दो, तो 15 में से 8 गए, तो x4 की वैल्यू 7 आ गई। यही काम जरा यहां करो, 1 और 4 को प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 by 2 किसके इक्वल है, 2 plus y4 divided by 2 इसके इक्वल है। अच्छा, 2 से 2 गया, तो प्लस के 2 को यहां भेज दो,
तो 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा, इसका मतलब y4 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो यहां से हमारा d का कोऑर्डिनेट आ गया, d की कोऑर्डिनेट x4 y4 था, तो x4 की वैल्यू 7 आ गई और y4 की वैल्यू 3 आ गई, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 7, 3। इतना समझ आया? अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा था, इसके बाद क्या कहा था? उसने कहा था जो ये e वाला पॉइंट है ना, ये e वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। ये किसका मिड पॉइंट है? ये डीसी का मिड पॉइंट है। तो आप लोग एक काम करो भाई, डीसी पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो ये वाला कोऑर्डिनेट ई आ जाएगा। आप लोग डीसी पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास ई आ जाएगा। लेट से ई वाले कोऑर्डिनेट का नाम दिया मैंने एक्स फाइव और वाई फाइव, क्योंकि एक्स फोर वाई फोर हो गया तो अब नाम दिया एक्स फाइव और वाई फाइव। तो E जो है वो DC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब X5 और Y5 तब आएगा जब आप D और C पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, D के कोऑर्डिनेट में X4 जो है वो 7 है और Y4 जो है वो 3 है, इसका मतलब X5 Y5 तब आएगा जब आप 7, 3 और 9, 4 पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। तो ध्यान से देखो, X मिड पॉइंट फॉर्मूला वही, x वाले में प्लस करो 2 से डिवाइड करो, y वाले को y वाले में प्लस करो 2 से डिवाइड करो। तो 7 में जरा 9 को प्लस करो, 7 में 9 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, और y मतलब 3 में 4 को प्लस करो, 3 में 4 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो x5 y5 है वो किसके इक्वल आ गया? वो आ गया 7 और 9, 9 और 7 होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, और 3 और 4 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा। अब कहानी के हिसाब से x5 8 आ गया और y5 7 बाय 2 आ गया। x5 हमारे पास 8 आ गया और y5 7 बाय 2 आ गया। इतना आपको समझ आया? अब हमें यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकालना था, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यही लिखते हैं, अभी तो स्पेस है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 के साथ मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं, ऐसी दो लाइनें इसलिए खींचते हैं ताकि एरिया नेगेटिव ना आ जाए। क्या होता है? एक्स वन के साथ वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर प्लस का एक्स टू के साथ वाई थ्री माइनस का वाई वन, फिर प्लस का एक्स थ्री के साथ वाई वन माइनस का वाई टू। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यहां पर किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है? ट्रायंगल का नाम है ए डी और ई। तो जरा ए डी वाले पॉइंट को उठाओ भाई। जो ए वाला पॉइंट है वो 6, 1 है, ए वाला पॉइंट 6, 1 है, डी वाला जो पॉइंट है वो 7, 3 है, वो 7, 3 है, और जो E वाला पॉइंट है वो एक्स 8, 7/2 है, वो 8, 7/2 है। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हालांकि पहले हमने इसका नाम एक्स वन वाई वन दिया था, इसका एक्स फोर वाई फोर दिया था, जरूरत के हिसाब से इसका एक्स फाइव वाई फाइव दिया था, लेकिन हमें जो ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है एज ए 10th क्लास स्टूडेंट, वो ये याद है कि 1/2 एक्स वन के साथ वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू के साथ वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स थ्री के साथ वाई वन माइनस, हमें ये फॉर्मूला याद है। इस फॉर्मूले में एक्स फोर वाई फोर एक्स फाइव वाई फाइव नहीं आ रहा है, 10th क्लास का बच्चा उतना चेंज नहीं कर पाता। तो एक काम करो ना, हमें ट्रायंगल एडीई का मिड पॉइंट निकालना था, ए वाला पॉइंट ये रहा, डी वाला पॉइंट ये रहा, ई वाला पॉइंट ये रहा, तो इनके नाम x4 y4 5 से हटा दो, ये x4 y4 x5 y5 से हटा दो। हमें जो ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ रहा है, पहले हमने कुछ और नाम दिया था। अब हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं कि भाई पहले वाले पॉइंट का नाम है x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट का नाम है x2 y2, और तीसरे वाले पॉइंट का नाम है x3 y3। सॉल्व करने में आसानी होगी, नाम x4 y4 x5 y5 को अभी हटा दो, लेट कर लो कि इसका नाम है x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3,
ताकि जो 10th क्लास का बच्चा है जब वो उसको फॉर्मूले में पुट करे तो कंफ्यूजन ना हो, वरना वो एक्स फोर वाई फोर या एक्स फाइव वाई फाइव लिखता तो हार्ड पड़ता उसके लिए। कितना समझ आया? अब इसको जरा मैं रफ करने वाला हूं ऊपर वाले पार्ट को, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। हाँ ओके ठीक है, मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं। ओके अब एक काम करिए, जब तीनों कोऑर्डिनेट पता है, फॉर्मूला पता है, तो उठा के पुट कर दो। देखो क्या, वन अपॉन टू के साथ, वन अपॉन टू के साथ मोडुलस के अंदर एक्स वन, एक्स वन कितना है सिक्स, तो सिक्स के साथ वाई टू माइनस वाई थ्री। अब y2 आपके पास 3 है और y3 आपके पास 7 बाई टू है, इसका मतलब 3 में से माइनस कर दो 7 बाई टू, फिर प्लस का x2, x2 का मतलब 7 है, तो यहां पर 7 के साथ y3 माइनस y1। अब y3 आपके पास 7 बाई टू है और y1 आपके पास 1 है, इसका मतलब 7 बाई टू में से 1 को माइनस कर दो। फिर आपके पास है x3, x3 कितना है, x3 8 है, तो 8 के साथ y1 माइनस y2, y1 1 है और y2 3 है, तो 1 में से 3 को माइनस कर दो। कुछ ऐसी कहानी हो गई। अब फिर से यहां पर 1 अपॉन 2 के साथ ये 6 एज इट इज रहेगा, जरा इसको सॉल्व करो नीचे 1 मान के, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा भाई, 2 को 1 से डिवाइड करो और 3 में मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, फिर प्लस का 7 को बाहर रहने दो, इसके नीचे 1 मान के 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आएगा भाई, 2 से 2 गया ऊपर की तरफ 7 बचा, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, और प्लस का 8 के साथ 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 आ गया। इतना समझ है? अब 1 अपॉन 2 के साथ, 1 अपॉन 2 के साथ 6, एक काम करो जरा इसको यहां पे उड़ा दो, तो 2 3 जा 6 आ गया, तो ये 3 की माइनस 1 में करोगे तो माइनस का 3 आएगा, फिर प्लस का 7 के साथ, 7 में से 2 गया तो यहां पर 5 आ गया और डिवाइडेड बाय 2, फिर 8 में माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। अच्छा 1 अपॉन 2 के साथ मोडुलस के अंदर थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, 7 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और माइनस का 16 भी एज इट इज रहेगा। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 के साथ, 1 अपॉन 2 के साथ इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, एलसीएम ले लो, 1 2 और 1 का एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से उड़ा के माइनस 3 में करोगे तो माइनस का 6 आएगा, 2 से 2 गया तो ऊपर वाला 35 बचा, 2 को 1 से उड़ा के माइनस 6 में करोगे तो 16 2 जा माइनस का 32 आ जाएगा। उसके बाद यहां करते हैं थोड़ा सा, अब बाहर वाला ये 1 अपॉन 2 फिर से एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस का 6 और माइनस का 32 प्लस हो जाएगा तो 38 हो गया, तो माइनस के 38 एज इट इज रहेगा, प्लस का 35 डिवाइडेड बाय 2 सब एज इट इज रहेगा, सब एज इट इज रहेगा। माइनस 38 में 35 प्लस करोगे तो 1 अपॉन 2 के साथ मोडुलस के अंदर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, क्योंकि 38 बड़ा है 35 छोटा है तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता और इसलिए हमने यहां पर ये बॉक्स लगा रखा है जिसको मोडुलस कहते हैं, ताकि गलती से भी एरिया नेगेटिव आए तो हम उसको पॉजिटिव कर दें। तो रिजल्ट हो गया 1 अपॉन 2 के साथ यहां पर 3 अपॉन 2। अब 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा और नीचे 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 3 1 जा 3 बाय 2 2 जा 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास यहां पर इसका एरिया आ गया, 3 बाय 4 स्क्वायर यूनिट आपके पास इसका एरिया आ गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। पहले क्या करा, डी पॉइंट को निकाला, क्योंकि दोनों का डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा तो डी पॉइंट आ गया, फिर डी और सी पर मिड पॉइंट लगाया तो ई आ गया, फिर ए डी ई का ट्रायंगल निकालना था, तीनों पॉइंट को लिख लिया, नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसका नाम एक्स वन वाई वन, उसका एक्स टू वाई टू, उसका एक्स थ्री वाई थ्री, हालांकि पहले से कुछ और नाम था लेकिन कोई नहीं, लाइट कर लिया, इसका नाम ये है, सारे पॉइंट पता है, उठा के फॉर्मूले में रख दिया और थोड़ा सा सॉल्व करा एलसीएम वगैरह लेके, तो आंसर आ गया 3 बाय 4 स्क्वायर।
आप जैसा भी लगा कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, कोई नया क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप करिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब, लेकिन कमेंट में फीडबैक कंपलसरी है। थैंक यू।